अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे चैनल में खुश आमदीद। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया। और गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। प्लीज मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप सबकी रिक्वेस्टें जल्दी से जल्दी पूरी कर पाऊँ। बहुत ज्यादा रिक्वेस्टें आ रही है और मैं कोशिश करूंगा मैं साथ साथ सबकी रिक्वेस्टें भी पूरी करता जाऊँ। ठीक है गाइस, आज हमें देखने की लाइफ ऑफ छोटी बहन कराची वाइंस। ओके, ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी और ये वीडियो मेरी छोटी बहन को डेडिकेटेड है। तो आए अब हम लोग मिलके देखते हैं ये कैसी है। ओके भाई आमिर, वो क्या हुआ अंकल, अकबर अंकल के काम का? हाँ पापा, मैंने उनसे बात की थी, वो कह रहे थे कि बेटा जाओ तुम चाय बना के लाओ। शाबाश जब कोई इम्पोर्टेंट बात होती है ना, रूम से बाहर भेज दिया जाता है, चाय ले आओ, पानी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। छोटी बहन की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आयशा क्या कर रही हो? बुक ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हुआ? यार इसको छोड़ो, पहले एक कप चाय तो बना दो। हमारे घर में इतनी चाय चलती है। भाई आप कितनी देर में आ रहे हैं? मुझे फोटोकॉपी करवाने अपना असाइनमेंट सुबह के लिए। भाई आते हुए मेरे नंबर पे बैलेंस तो डलवा दें यार। भाई चॉकलेट्स तो ले आए आते हुए। भाई नूडल्स ले आएंगे, अम्मी ने सब्जी बना दी है खाने में। यार कहाँ रह गए, कितनी देर से वेट कर रही हूँ मैं, बैलेंस का भी बोला था मैंने आपको। One hour later. भाई आप आ गए, मेरा बैलेंस नहीं आया अभी तक। बैलेंस तुमने बोला कब था? भाई मैंने आपको बैलेंस भी बोला है, चॉकलेट भी बोली है, नूडल्स भी बोले, आप कुछ नहीं लाए। अभी ले आता हूँ मैं थोड़ी देर में। यार क्या मतलब थोड़ी देर, भाई मैं कब से भूखी बैठी हूँ। यार एक मसला हो गया था बहुत बड़ा। क्या मसला? समझो ना, एक बड़ा मेजर मसला हुआ था। क्या हो गया भाई, खैरियत? क्या मसला हो गया था? मसला ये हुआ था कि मैं भूल गया। व्हाट, भूल गए थे? भाई क्या अजीब, मैं कब से भूखी बैठी हूँ यार। बहनी कब चाय तो बना दो, हमारे यहाँ पे खाना जलता है। हाँ यार ये इसका क्या मतलब है? इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, इतना अहम नहीं है। अरे नहीं नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, मतलब बताओ यार। अरे इसका मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इतना अहम नहीं है। यार भाई आप इन सब चीजों को लेकर इतना परेशान रहते हैं। देखिए आप इस मैसेज को कॉपी करें और यू डिक्शनरी ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट कर देगा उर्दू में। सिमिलरली आप कोई उर्दू में मैसेज अगर टाइप करेंगे तो अपने एडवांस फीचर के साथ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा और आप उसे कॉपी करके भेज दें। सिंपल। वैसे ये तो मुझे भी पता था, तुमने कोई नई बात तो नहीं बताई। भाई आपको नहीं पता था? मुझे पता था। अजीब, भलाई का जमाना ही नहीं है। आप चाय बनाने जा रही हो? हाँ यार मैंने कल उससे बताया था ना। तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। जी भाई आ रही हूँ मैं। किससे बात कर रही हो? दोस्त से बात कर रही हूँ। कौन सी दोस्त? क्या मतलब कौन सी दोस्त, कॉलेज की दोस्त है। क्या नाम है? आप क्यों इतनी बातें पूछ रहे हैं? बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, नाम बताओ। नीलम से बात कर रही हूँ। नीलम से बात कर रही हूँ। अजीब फजूल के एक्शन खत्म ही नहीं होते। भाई थे यार, क्या हो गया भाई? यार वो पापा की कॉल आई है, उनके कोई दोस्त आ रहे हैं। तो एक काम करो, दो कप चाय बना दो और ये थोड़ा सा सफाई वफाई करवा दो यार। ये कप, ये ना ग्लास वगैरह ले जाओ। बना रहे हैं। एक ये बैग भी ले जाना और अगर बिस्किट और निम्को हो ना वो भी जरूर ले आना, जल्दी से यार। आजा मैच लगाते हैं। यहाँ क्यों बैठ रहे हैं यार, कहीं बाहर चल के बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं। चाय भी आ रही है, बिस्किट भी आ रहे हैं, इनको भी आ रही है। नहीं यार। आ यार। वाह यार। आया। एक कप चाय बना दो। यार भाई। अच्छा मैं जा रही हूँ, आ जाऊंगी रात तक, खुदाफिज़। कहाँ जा रही हो बेटा? अबू वो दोस्त के घर। कौन सी दोस्त? अबू मेरी कॉलेज की दोस्त है ना। क्यों जा रही हो बेटा? बर्थडे पार्टी है, मैंने अम्मी को बताया था। अच्छा तो कहाँ रहती है वो? CHS में। अच्छा तो बेटा उसका नंबर और एड्रेस जो है ना अपनी मम्मा को मैसेज कर देना, मैं आपको भेज देती हूँ। कब तक आ जाओगी बेटा? 11:30 बज जाएंगे। नो बेटा, 11 इज टू लेट, आप 9 बजे घर वापस आ जाओ। अबू बर्थडे पार्टी है। अच्छा अम्मी मैं जा रहा हूँ, रात को लेट आऊंगा, अल्लाह हाफिज़। ये रोज ही लेट आता है अबू। अब 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 बेटा चाय बनाते हुए जाना है। अम्मी क्या बिरयानी बनाई है आपने, आपके हाथ में ना जादू है। अरे भाई ये मैंने थोड़ी बनाई है, ये तो अपनी आयशा ने बनाई है। अरे हाँ आयशा ने बनाई है, तभी तो मैं बोलूँ नमक कितना ज्यादा क्यों है यार, मिर्ची भी बहुत है।
तो मत खाए ना। नो अम्मी, देखिए बड़े भाई से कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। बेटा क्या कर रही हो? बड़े भाई है, मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अम्मी अब हमेशा ही इन्हीं की साइड लेती हैं। अम्मी आलू खत्म हो गए क्या? अरे डाले तो थे, लगता है खत्म हो गए। आप लोग खाओ, मैं लेके आती हूँ। जब तक आप मेरी प्लेट से ले लें भाई। तुम वैसे भी आलू मत खाया करो, आलू खा खा के ना आलू हो गई हो। क्या प्रॉब्लम है भाई? एक सेकंड, ये भाई किसको बोला तुमने? भाई को मेरा ख्याल है इसको ना किसी ने बताया नहीं है, तुम बताओ। नहीं नहीं आमिर भाई, आप बड़े हैं, आप बताएं। मेरे ख्याल में सच बताने का वक्त आ गया है। देखो जब तुम छोटी थी ना तो अम्मी अब्बू तुम्हें कचरे के ड्रम से उठा के लेके आए थे, तुम हमारी बहन नहीं हो। yeah. जी हाँ, और देखो ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं मिलती हम लोगों से, हम कितने हैंडसम और तुम कितने अजीब से। क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं खाना ही नहीं खा रही आप लोगों के साथ। अरे काम करें, आलू दे वापस मेरे। ए, ए, आलू तो दो मोटी। डाउनलोड यू डिक्शनरी नाउ फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आयशा मेरी बहन। जी भाई। ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया? It's a gift for you. दिखाए ना। Surprise. Don't forget to subscribe. Okay, एक बात बताऊं, पूरी वीडियो में ठीक है जो हमारे घर पे सीन होते हैं मोस्टली खाना बनाओ। अभी तो लास्ट टाइम तो मैंने बहुत तारीफें की थी, लेकिन खाना बनाओ कुछ भी हो जाए, खाने में नुक्स तो निकालना के जब पता चल जाए कि छोटी बहन ने बनाए हैं तो हम लोग जरूर मैं कहता हूँ 100% कि खाने में नमक ज्यादा था, नमक सही नहीं था, पके हुए सही नहीं है, कच्चे चावल ये वो मैं बहुत करता हूँ ये, ठीक है। हाँ लेकिन पिछले ये रमजान में हम कहते हैं उस खाना बनाया था, क्या मस्त खाना बनाया था, मैं तो तरीफे कर करके थक गया था वो दिनों में, वाकई में मजे वाला, मुंह में पानी आना शुरू हो गया। चाय हमारे घर पे ज्यादा चलती नहीं, ठीक है। हाँ एक सीन मुझे और याद आया, मैं बहुत हंसा था वहां पे, वो जो उसने कहा ना इसको ट्रांसलेट करके दिखाओ, एक्चुअली हमारे घर पे भी एक है ठीक है हमारा छोटा भाई, उसको भी ट्रांसलेट करवाना पड़ता है इकरा से, तो वो भी ट्रांसलेट करके देती है ठीक है। लेकिन अच्छी लगी मुझे वीडियो, मजे वाली थी, कुछ कुछ सीन है ठीक है। और हाँ एक और चीज होती है कि मेरा छोटा भाई है ना जो उमर, ओके वो कहता कि मुझे और इकरा को कचरे के डब्बे से उठा के लेके आए हो, मतलब मेरे छोटे भाई को और इकरा को कचरे के डब्बे से उठा के लेके आए हैं, और इनके ब्लड ग्रुप भी सेम है ये वो उनकी, यानी चलता रहता ना घर में। लेकिन अच्छी लगी मुझे वीडियो देख के, मजा आया। लेकिन जो स्टार्टिंग में हुआ ना कि उसको छोटी बहन को बाहर निकाल दी और जो कहते बातें हो रही थी, उसमें क्या होता कि हम लोग, मुझे तो स्पेशली हम लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है, और छोटी बहन के सामने सारी बातें होती है, तो ये तो अलग बात होगी, ये तो मालूम नहीं कैसे बना। लेकिन अच्छा लगा मुझे देख के, मजा आया, फनी था वीडियो, कुछ मजा आया, कुछ जगहों पे मजा भी आया ठीक है। फैंटी हमें बहुत पड़ती है हमारी छोटी बहन से, टिका के चित्र पड़ते हैं उससे, जब दिल करता है ठप मार के चली जाती है। और उसकी एक बहुत बुरी आदत है कि उसने अपने तो खाने खाने, उसने दूसरी की प्लेट से भी खाना खाना होता है, वो एक अपनी प्लेट से नहीं खा सकती, उसने छोटे भाई की प्लेट से या किसी ना किसी की प्लेट से चावलों की तरह चावल या रोटी खानी होती है, सालन लेना होता है, वो हरकत भी है उसकी। लेकिन मजा आया देख के, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वीडियो भी अच्छी थी, कराची वायंस की वीडियो काफी अच्छी होती है, मैं इनकी वीडियोस देखता भी हूँ और मजा आता है देख के। आई होप कि आपको मजा आएगा गाइस। अगर आपको मजा आया तो प्लीज आके सब्सक्राइब करें, और मैं रेडी हो जाऊंगा आज चित्र खाने के लिए, गालियां सुनने के लिए मेरी छोटी बहन से, वो मुझे पता है इसके बाद मुझे आएंगे मैसेज वगैरह या कॉल आ जाएगी तो फिर मुझे टका के सुननी पड़ेगी उससे, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ ठीक है। बाकी मिलेंगे मेरी अगली वीडियोज में, जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद रखिएगा। We'll be right back.